खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। मैं हूं आपके साथ जहां और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चलिए चलते हैं ताजा खबरों की ओर। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, बिहार से प्रभारी मोहम्मद रहमतुल्ला की रिपोर्ट। सुपौल समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में सूबे के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर डीएम सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने खासकर उद्योग विभाग से जुड़े योजनाओं की गहन समीक्षा की। वहीं मौजूद तमाम बैंक के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजना को धरातल पर उतारने में बैंक की अहम भूमिका होती है। सभी बैंक कर्मी ध्यान दें कि किसी भी उद्यमी को परेशान न करें, समय पर उसे उचित मार्गदर्शन देकर उनका काम करें। इस मौके पर जिले की तमाम बैंक के प्रबंधक सहित उद्योग विभाग के प्रबंधक और महाप्रबंधक LDM सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। वही जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री श्री हुसैन ने कहा कि यह सुपौल के लिए बड़ी बात है कि आज का विधानसभा सत्र में हम सुपौल से ही ऑनलाइन जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लेकर जिले में व्यापक रूप से जागरूकता की जा रही, ताकि इस योजना का लाभ समुचित लोगों तक पहुँच सके। आपके ध्यान में वो चीजें आ जाए, आज यहाँ पे जी बैठक में क्या क्या दिशा निर्देश दी गई, जो भी दिया गया आपके सामने ही है। लेकिन ये सही है कि यहाँ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना का प्रचार प्रसार जो सुपौल में होना चाहिए, उसके हिसाब से अन्य जिलों के मुकाबले थोड़ा कम है जो एप्लीकेशन आए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक तो अनुसूचित जाति जनजाति युवा उद्यमी योजना पहले से चल रही है, लेकिन उसके बाद जब नई सरकार आई तब हम लोगों ने महिला के लिए और युवा के लिए, जो पिछड़े वर्ग और स्वर्ण समाज के लोग छूट गए थे, उनके लिए अलग से योजना लेकर आए। तो अब ये चार योजना हो गई। तो चार योजना में एक जिले में करीब 200 के एवरेज बड़े जिले में उद्यमी आएंगे जो उद्योग लगाएंगे। 5 लाख रुपए का अनुदान है और 5 लाख रुपया 0% पे लोन है। सिर्फ युवा उद्यमी में 1% है, बाकी महिला अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 रुपए का भी लोन नहीं है। और रिकवरी भी जो है वो 7 साल में, यानी 5 साल अगर आप 5 लाख लोन लेते हैं तो हम उसको 7 साल में वापिस लेते हैं। तो सुपौल में खासतौर पे मुझे नौजवानों से कहना है कि युवा उद्यमी में आइए, खासतौर गारमेंट के सेक्टर में, और जो सुपौल में मखाना के सेक्टर, कल मैं मखाना का देख के आया हूँ, उसकी भी बहुत संभावना है। डीएम साहब से बात हुई है कि GMDIC के साथ एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर और लगा के इसका ज्यादा प्रचार प्रसार करके, ऐसे जो सूचना जनसंपर्क विभाग है उसने पूरा होर्डिंग भी लगाया है। कोरोना काल में वर्चुअल ही CM साहब ने इसको लॉन्च किया था, तो एक ये काम हो रहा है। दूसरा, जो उद्योग विभाग को जमीन मिली थी करीब 70 एकड़, उसमें करीब सुपौल में 777 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव हमें उपलब्ध हुआ है, और इसमें और भी कई प्रस्ताव हैं, लेकिन जितनी जमीन थी उतना प्रस्ताव था, जमीन हमारे पास कम थी। अब क्या है कि जमीन की जो साइज है वो बढ़ने वाला है, यानी 99 90